वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंडियन हाउसवाइफ कुमकुम। तो आज है सैटरडे, तो अभी मैं बना रही हूँ इडली। माइक्रोवेव में इडली बना रही हूँ क्योंकि गैस पे जो बनाते हैं वो मेरे पास नहीं है। तो मैं इडली बना चुकी हूँ, एक बैच बना चुकी हूँ इडली। तो आज मैं इडली से कुछ अच्छा बनाने वाली हूँ, तो सोचा मैंने आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हो और लंच भी बोल सकते हो। हम लोग आज लंच नहीं करेंगे, यही हमारा लंच होगा। तो यहाँ पे मैंने दो बना लिया है, तो ये ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसे निकाल लूँगी, फिर सेकेंड बैच इस पर डाल दूँगी। तो आप लोग देखते रहिए मैं क्या बनाने वाली हूँ। हाँ, इडली गर्म है। तो ये इडली ना मैंने माइक्रोवेव में बनाया है, 3 मिनट में बना है ये इडली। 3 मिनट में बन गया ये, 4 4 12 इडली 3 मिनट में। तो टोटल मैंने 24 इडली बनाए थे और ये स्मॉल साइज़ है और थिक भी नहीं है, पतले पतले ही है। तो यहाँ पे मैं मुझे इडली बनाने के लिए 6 मिनट लगे थे, तो ये एक फ़ायदा हुआ। तो यहाँ से मैं किनारे से इसे निकाल के फिर एक बाउल में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तब तक मैं घर के जो दूसरे काम है, बाकी काम, वो मैं कर लूँगी। तो आदि देख रहा है सिंक शैंक, और यहाँ पे मैंने बाकी काम जो थे वो कर लिए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ जो मैं इडली से आज जो रेसिपी बनाऊँगी वो बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, एक ही प्याज से मैं बनाऊँगी। तो मैं इसे बारीक फाइन चॉप कर लूँगी, उसके बाद कैप्सिकम को भी मैं चॉप कर लूँगी। तो कैप्सिकम मैंने एक बड़ा साइज़ का कैप्सिकम लिया है, तो इन सभी को मैं चॉप करके, और जिंजर गार्लिक लिया है उसे मैंने कद्दूकस किया है, उसे चॉप नहीं किया है, कद्दूकस किया है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बना रही थी। मैं कैप्सिकम और ऑनियन को मैंने कट कर लिया है, और इडली भी ठंडे हो चुके हैं, तो इडली के भी मैं स्लाइस कर लूँगी पतले पतले। अगर बासी इडली भी होंगे ना तो आप इस तरह से बना सकते हो, कभी कभी इडली ज़्यादा बच जाता है तो आप इसे सेम प्रोसेस में बना सकते हो। तो यहाँ तो मैंने गर्म इडली से बनाए हैं, तो यहाँ पर ये सभी को मैंने कर लिया है कट। और अभी मैं एक बैटर बनाई हूँ। ये मैंने लिया है चावल का आटा 1 चम्मच और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा नमक और पानी ऐड किया है। ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा थिक नहीं करना है, मीडियम बैटर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इडली को इसमें कोट कर लिया है और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरह हमको सभी इडली को इसमें डिप करना है और अच्छे से मिक्स करके, अच्छे से कोट करके फिर इसे फ्राई पैन में फ्राई करना है। और इसे मैंने फ्राई किया है मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ पे मैं सभी को ऐड करती रहूँगी और उसके बाद जब फ्राई हो जाएंगे जो बचे हुए हैं उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे हमारे इडली भी फ्राई हो चुके हैं, तो अभी मैं इसमें फ्राई पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, उसके बाद मैं इसमें 12-13 लहसुन लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया था, और 1 इंच का अदरक उसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो इसे मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। सॉटे करने के बाद जो मैंने चॉप किया हुआ ऑनियन और कैप्सिकम था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे भी फ्राई कर लूँगी। तो ऑनियन को हमें गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हमें इसमें कैप्सिकम को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं जो अदरक और लहसुन है उसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। ऑनियन फ्राई हो चुके हैं, तो अभी मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड कर दिया है और कैप्सिकम को मैंने पतले स्लाइस में कट किया है और 1 कैप्सिकम लिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं, तो अभी मैं इसमें जो चिली सॉस है 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, उसके बाद सोया सॉस 1 टेबल स्पून, उसके बाद 1 टीस्पून में चिली सॉस
ऐड करूँगी और 1 टीस्पून केचप, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना, तो इसलिए मैं चिली सॉस कम ऐड कर रही हूँ। और मैंने इसमें ग्रीन चिली भी ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरा बेटा खाएगा, इसीलिए। बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो और ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सभी सॉस को ऐड कर लिया है, तो अभी मैं इसे मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच सेज़वान चटनी ऐड करूँगी। तो सेज़वान चटनी इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। मैंने इसमें सेज़वान चटनी भी ऐड कर दिया है, तो हमारी ग्रेवी बनके रेडी है। तो अभी हम इसमें फ्राई इडली जो है वो ऐड कर देंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। और इसे मिक्स करने के बाद हमारी रेडी हो चुकी है इडली चिल्ली, बनके रेडी हो जाएगी। और आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं स्प्रिंग ऑनियन, पर मेरे पास नहीं थे तो इसलिए मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया था। तो यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इसका कलर देखिए बहुत यम्मी लग रहा है। अगर आप इडली खा के बोर हो चुके हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, मस्ट ट्राई रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों के लिए स्पेशली मैंने आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया है, तो 1 लाइक तो बनता है, तो इसलिए 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा पसंद आए तो। कितना अच्छा बना, वो भी इडली से इडली चिल्ली, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत यम्मी बना है, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। हमारा लंच हो चुका है और लंच में हमने क्या खाया आपके साथ शेयर किया, इडली चिल्ली खाया था तो बहुत सारा था, तो अभी थोड़ा रख दिया है। और इडली के साथ मैं चटनी बनाने वाली थी, बाद में पता चला कि मैंने नारियल ही नहीं लाया, तो फिर मैंने सोचा जाने दो, इडली चिल्ली बना देते हैं, क्योंकि कैप्सिकम जो चिली के लिए चाहिए था वो सभी था। और मैंने सिंपल सा बनाया था, इतना भी इसमें कुछ मैंने ऐड नहीं किया था। और वो खा के मेरा बेटा अभी एकदम सो गया है, थक गया है, तो अभी जो बर्तन तो बहुत सारे हैं तो मैं वो वॉश कर लूँगी और मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ और मुझे एडिटिंग भी करना है, तो एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। बजे हैं 2:30 बज गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, तो इवनिंग में आपसे मिलती हूँ मैं। फ्रेंड्स, तो शाम हो चुकी है, आदि शाम की दियाबाती कर रहा है और मस्ती भी कर रहा है, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, शाम में बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो इसलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।